देखो बॉस, इंडियन सिनेमा में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग वर्सेटैलिटी हर मूवीज में देखने को मिलती है, जिसमें वो हमेशा डिफरेंट एंड एक्सपेरिमेंटल रोल करते हैं। एक्टर की बात करें तो कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको एक्टिंग की फील्ड विरासत में मिली होती है, जिनके बाप या दादा की वजह से उन्हें कोई भी फिल्म आसानी से मिल जाती है। मगर वही दूसरी ओर ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्हें अपनी जर्नी खुद तय करनी पड़ी, अपने लाइफ में आए मुसीबतों का खुद से सामना करना पड़ा, जिन्हें एक एक ईंट रखकर अपनी इमारत बनानी पड़ी। ऐसे ही एक सुपरस्टार है बॉस, उनका नाम ही कॉपी है ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए। यस, आपने ठीक सोचा, ये एक्टर है हम सबके फेवरेट विजय सेतुपति। बट बॉस, आप में से बेहद कम लोग उनकी रियल लाइफ स्टोरी को जानते होंगे। इस वीडियो में उनकी जर्नी और उनके लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसीलिए आई रिक्वेस्ट आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। उठ साले, उठ, स्वीट खाओ, खाओ मेरी जान, खाओ। हंसना, प्यार से दे रहा हूँ ना, हंसो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विजय सर को एक्टिंग फील्ड विरासत में नहीं मिली, उन्होंने इसके लिए 10 साल तक स्ट्रगल किए। 10 साल तक वो एक्टर बनने का सपना लिए लाइफ में लड़ते रहे। विजय सर बेहद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। विजय सर बताते हैं वो अपने स्कूल के दिनों में ना पढ़ाई में अच्छे थे और ना ही उन्हें अपना गोल क्लियर था। और रही बात एक्टिंग की, तो इस दौरान उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो बड़े होकर एक्टर बनेंगे। उनके फादर के कहने पर उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। विजय पर शुरू से ही अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी की। उन्होंने रेस्टोरेंट, टेलीफोन बूथ, शोरूम्स जैसी कई जगहों पर एज अ पार्ट टाइम वर्कर काम किया। ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बाद उन्हें कई जॉब्स ऑफर हुए, मगर सैलरी कम होने की वजह से उन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया। उस समय वो सीमेंट कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे थे, मगर वो उस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद दुबई में उन्हें एक जॉब ऑफर हुई, 12,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाती थी, जो उनकी आम सैलरी के तुलना में 3 times ज़्यादा थी। इसीलिए विजय सर ने वो जॉब ज्वाइन की। इसके बाद विजय कई सालों तक दुबई में रहे, मगर उनकी लाइफ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर इतने तक ही सीमित थी। उन्होंने सोचा कब तक वो ऐसी बोरिंग और अकेली लाइफ जीते रहेंगे, इसलिए 2003 में वो फाइनली इंडिया वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने थिएटर ग्रुप में अकाउंटेंट की जॉब ज्वाइन की। वहाँ काम करते करते ही उन्हें लगा कि वो शायद एक्टर बन सके। इसी के साथ उन्होंने छोटे मोटे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे उनका फिल्म में इंटरेस्ट डेवलप होता गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म्स में छोटे मोटे रोल के लिए ट्राई किया, जो रोल कुछ सेकंड के थे या फिर सिर्फ बैकग्राउंड का हिस्सा थे। 5 साल तक उन्होंने ये काम किया, कभी उन्हें बॉक्सर का रोल मिलता, कभी हीरो के दोस्त का रोल मिलता, जिसका मूवी में ना कोई डायलॉग होता, उसका सिर्फ एक ही काम होता, स्क्रीन में दिखना। विजय को इसमें काफ़ी कम पैसे मिलते थे और उनकी फैमिली उनके इस डिसीजन से खुश नहीं थी और वो चाहती थी विजय वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर ले। 5 साल के स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद फाइनली विजय की किस्मत पलटी। 2010 में एक फिल्म आई जिसमें उन्हें एज अ लीड रोल मिला। ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई और इसने 3 national awards भी जीते। इसके बाद आई हॉरर फिल्म पिज्ज़ा, जो कि विजय सर के करियर को और ऊपर ले गई। इस मूवी की दमदार स्टोरी और विजय की एक्टिंग दोनों सराहनीय है। विक्रम वेड़ा मूवी में विजय सर की एक्टिंग सुपर से भी ऊपर थी। इस मूवी में उनके साथ आर माधवन ने भी काम किया, जिन्होंने विजय सर की एक्टिंग देखकर उन्हें कमल हसन से कंपेयर किया था। विजय सर ने अभी तक कई सारे फिल्म में काम किया, जिसमें पिज्ज़ा, सुपर डिलक्स, 96, विक्रम वेड़ा, पेट्टा, विक्रम, KRK जैसी और भी कई मूवी है। साउथ में जैसे हर सुपरस्टार को उन्हें लोग अपने एक अलग नाम से जानते हैं, जैसे अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार, विजय को थालापति विजय, रजनीकांत को सुपरस्टार रजनीकांत, चिरंजीवी को मेगा स्टार, इसी तरह विजय सेतुपति को भी नाम दिया गया मक्कल सेलवान। मक्कल सेलवान यानी आम लोगों से जुड़ा हुआ इंसान। ये नाम उन्हें कैसे मिला, इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान विजय गांव में थे, जहां उन्होंने कुछ मजदूरों को खाना बनाते देखा। वो सभी नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, ये देखकर विजय भी उनके साथ खाना खाने जमीन पर बैठ गए। इस बात को डायरेक्टर सीनू रामास्वामी ने देखा तो उन्हें लगा कितनी आसानी से विजय सुपरस्टार होते हुए भी आम लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं।
और इसी मूवमेंट से उन्होंने उन्हें मक्कल सेल्वन नाम दिया और अगली फिल्म में विजय को मक्कल सेल्वन नाम से ही लॉन्च किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विजय सर को कई सालों तक छोटे मोटे रोल्स करने पड़े, यानी ये उनका स्ट्रगलिंग पीरियड था। मगर विजय सर से जब भी इस बारे में कोई पूछता है तो वो कहते हैं, मैं अपने इस फेज को लर्निंग पीरियड समझता हूँ, ना कि स्ट्रगलिंग पीरियड। वो मानते हैं कि अगर मैं उस समय छोटे मोटे रोल्स नहीं करता तो शायद ही मैं आज यहाँ होता। विजय सर की स्टोरी से हमें कई सारी बातें सीखने को मिलती हैं। इस जर्नी से हमें सीखने को मिलता है लाइफ में हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। विजय सर की लाइफ को देखें तो उनकी लाइफ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स थी, या कहें पूरी स्ट्रगल से भरी पड़ी थी, मगर उन्होंने अपने हार्डवर्क और पेशेंस के साथ उसे बदल दिया और वो मुकाम हासिल किया जो हर इंसान सोचता है मैं लाइफ में अचीव करूँ। हमें कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी देखने को मिलते हैं जिन्हें एक ऑडिशन देना या फिर शो अटेंड करना यही एक स्ट्रगल लगता है। वही दूसरी ओर विजय सर है जिनकी जर्नी, जिनकी स्टोरी हर किसी को बताती है रियल स्ट्रगल क्या होता है, और उनकी जर्नी हर किसी के लिए मोटिवेशन का काम करती है जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते। My dad has never been in a dharma film. He never went on coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. Yeah. And their own struggle. Yeah, everyone has their own journey. Yeah. And their own struggle. विजय सर की एक्टिंग के हम ही नहीं बल्कि कई सुपरस्टार भी दीवाने हैं। एसआरके ने तो उन्हें एक इंटरव्यू में बेस्ट एक्टर भी कहा था, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कहते हैं विजय सेतुपति ऐसे एक्टर है जो किसी भी रोल को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। विजय सर की स्टोरी, उनके लाइफ से जितना सीखा जाए उतना कम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप विजय सर के कितने बड़े फ़ैन हो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। श्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कार के लिए तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के अभिनेता श्री विजय सेतुपति को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For his challenging and convincing performance as a transgender.